देखिए, कल जो एनालिसिस किया गया था उसमें दो क्षेत्र ऐसे उभर कर सामने आए थे जिनमें विगत 5 दिनों में एक जगह 77 और एक जगह 23 इस तरह के मरीज एक साथ निकले थे। एक साउथ कोकगंज में इंद्रप्रस्थ टावर के पीछे का क्षेत्र है और दूसरा जो हमारा खाती वाला टैंक में सिंधी कॉलोनी के सामने वाला क्षेत्र है। तो इन अधिक केस निकलने के कारण इन्हें कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है और आवाजाही इसमें पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। यहाँ हमारी कुछ टीमें रहेंगी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहेंगे, LHV, ANM, आशा, आंगनवाड़ी, इनके साथ में ये टीम इनके घरों में जाकर भ्रमण करेगी, इनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी। इसके साथ में जो लोग सस्पेक्ट निकलते हैं उन्हें नेगेटिव ना हो जाने तक उनको घर में आइसोलेट क्वारंटाइन करके रखेगी। जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें 14 दिन का होम आइसोलेशन किया जाएगा और उसके पश्चात 28 दिनों तक उनको और फॉलोअप किया जाएगा। सर, कंटेनमेंट जोन अगर बनाते हैं तो पूर्ण आवाजाही बंद होगी, सर वहाँ का जो इलाके का जो व्यापार व्यवसाय है वो ठप होगा, तो वहाँ से निकलने के लेकर किस तरह कोई मतलब कोई पासिस जारी की जाएंगे या कुछ तरीके से? उसमें पासिस जारी नहीं किए जाएंगे बल्कि जो संक्रमित क्षेत्र है उसके समीप का ही क्षेत्र बनाया जाएगा जो अत्यधिक आवश्यक रहेगा। ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं और जिन्हें किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं है, इन्हें जाने के लिए जो स्क्रीनिंग टीम रहेगी उनके द्वारा स्क्रीन करने के पश्चात बताया जाना ही उचित हो पर्याप्त होगा। सर, लगभग स्क्रीनिंग की टीम और ANM और GNM की अगर बात करें पैरामेडिकल की, कितने लोगों का स्टाफ वहाँ पर है? अभी दोनों जगह चार चार टीमें हमने बना दी हैं और इस चार टीमों में LHV, ANM, आशा, आंगनवाड़ी और MPWs, ये इतने लोग हमारे रहेंगे। इनका जो सुपरविज़न की एक जो MMU रहेगी, मेडिकल मोबाइल यूनिट, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिक्स, एक लैब टेक्नीशियन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा। इन समस्त क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए हमारे पास एक RRT रहेगी जिसमें मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा डाटा एंट्री से रिलेटेड लोग, इतने लोग रहेंगे, ये हमारा कास्केड रहेगा।